तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। जल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। You are such a fucking good actor. तुम जैसी लड़की हो ना? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। You are a fucking gold digger. क्यों? मैं नजर खाना ने मेरी मम्मी के साथ ऐसा किया। बचपन में मम्मी ने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या कहा था? मैंने बस यही कहा था कि मैंने नजर खाला को देखा अब्बू के साथ। मैंने नजर खाला मेरी मम्मी की बहन है। खुद की बहन के साथ ऐसा करता। Fuck, 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 ये मैंने क्या कर दिया? खाने को सारे fucking weak points बता दिए। Fuck. सूफी बेटा मुझे गलत मत समझना, और मुझे लगता था कि वो दर्द तुमसे अब फारिग हो गया होगा, लेकिन कल रात उस लड़की ने जब तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप किया, उसके बाद तुम फिर वही पुराने सूफी की तरह, बच्चों की तरह बेनजीर आपा के बारे में रात भर शराब के नशे में बातें कर रहे थे बेटा। इमी कहाँ? इमी बाबा तो सुबह ही ऑफिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि जनाब अभी 10:30 बज चुके हैं सुबह के। अपना नींबू पानी पीजिए, हैंगओवर उतारिए। नहीं भाई, अरे अरे सुफे बाबा फ्लास्क में भर के रख दूं क्या? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. कायनात ने मना किया not to tell him anything, so just God, लगता है उस कायनात ने सबको बता दिया मेरे बारे में। बगल भाई कॉफी दीजिएगा। क्या हंस क्यों रहे हैं? मेरी शक्ल में जोक लिखा हुआ है? नहीं, क्यों हंस रहे हैं? Sorry. इम्तियाज सर कहाँ है? इम्तियाज सर कायनात मैम के साथ केबिन में। क्या? कायनात मैम के साथ केबिन। कायनात मैम? जोई कॉल कायनात, बात करनी मुझे उससे। हाय। न्यूज़ के इंचार्ज आज रूही है, इम्तियाज ने सारी हेडलाइंस चेक कर ली है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ वी गेट मोर स्कूप ऑन ऑकल्ड सुसाइड केस दैट वुड बी बेटर। मीनवाइल डिजिटल पे वी हैव न्यूज ऑन फॉरेस्ट कटिंग डाउन ऑन चिपको मूवमेंट। न्यूज ऑन फॉरेस्ट कटिंग डाउन। बहुत मजा आया मेरा मजाक उड़ाकर, सबको मेरे वीक पॉइंट्स बताकर कि देखो ये वही लड़का है जिसने अपने अब्बा को अपनी अम्मी की कजिन के साथ यहाँ पर देखा था। गेस व्हाट, उसके बाद मेरे अब्बा ने उनसे शादी कर ली। उसके लिए मार किसको पड़ी मुझको? क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी को यकीन नहीं था कि मैंने ये सब देखा है। मिस कायनात साहनी, तुमसे बड़ी घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखी। You're a fucking bitch. Surprise! कायनात ने हमसे कहा था कि तुम्हें नहीं बताए, बट लगता है इसने खुद तुम्हें बता दिया। It should have been a surprise for you. क्या? जिस स्टोरी पे तुम दोनों ने काम किया था, that has been selected by the New York Times. You have become world famous, boss. Celebration तो बनता है। सर, हम टेलिंग यू मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और वो स्टोरी अगर ऑन एयर होती है तो हमें बहुत अच्छे टीआर मिलने वाले हैं। अभिषेक, रवि, वो जो लैंड ग्रैबिंग का केस है उसको स्टडी करो। बस सर, वो स्टोरी तो हमने कल ही कर ली। डबल चेक करो, एंड यूट्यूब भी, एंड जॉय यूट्यूब।
समझ गया सर, मैं ट्रिपल चेक कर रहा हूँ। कायनात, कल जैसे मैंने बिहेव किया, काफी बैडली बिहेव किया, पहले रेस्टोरेंट में, फिर तुम्हारे घर के बाहर, यू नो। सॉरी, काफी है मिस्टर अब्दुल। लिसन, मैं कंपनसेट करूंगा। मुझे तो लगता है मैं शायद। अच्छा, कैसे करेंगे आप? इंक्रीमेंट। तुमने मेरी इतनी बड़ी बात छुपाई सबसे, सो I'll give you a raise on salary, or maybe a better position, or maybe both. I'm okay with that. Okay, I do want one thing. Tell me. Just smile. Listen, मैंने sorry बोला ना यार। Yeah, I know, and I heard you right. I do appreciate it. But compensation के नाम पे मुझे बस आपकी smile चाहिए. You know, heartfelt, gratitude वाली smile. एक tip दूँ? शायद आपको help मिले. Just think about a person who makes you smile. Just think about a person who makes you smile. You know, to achieve this. Boss, chit fund scam ke sare details isme hai. कुछ 300 से भी ज्यादा फैमिलीज का इस पे असर हुआ है। सूफी और स्माइलिंग। सूफी, तुम अपनी नजर उतरवा लो। हाँ, ये थोड़ा क्रीपी था। दांत में दर्द है सर? नहीं, मैं हंस रहा हूं। कैसे सीखूं, किससे सीखूं? अम्मी, ये देखना, सूफी ये फेस टाइम मेरी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, अब ये वीडियो कॉल क्यों किया? सब खैरियत है ना? हाँ अम्मी, सब खैरियत है। वो क्या है ना, आपकी याद आ रही थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और ये मुंह ऐसे क्यों बनाया है? मुंह में छाले हैं, एसिडिटी है, ये सारे गम्स दिख रहे हैं। सुनो मेरी बात इम्तियाज, इसके अंदर वो अब आओ इम्तियाज, कुछ भी करते हो। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं नहीं सूफी, सुन, कायनात ने ना पूरी की पूरी कायनात हिला कर दी। मतलब कॉलेज में अपने कैरेक्टर की धज्जियां उड़वाना, एंड आई डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज अ स्लट प्लीज। तुम ठीक कह रही हो हरलीन,
You know what, मैं कितना भी बदलने की कोशिश कर लूँ, no matter how much I try to change, no matter how much I try to confess my love to someone I love, I just can't यार, I just can't. And you don't believe me. सबको मैं गलत ही लगता हूँ हमेशा. Everyone thinks कि मैं बदतमीज हूँ, मैं हरामी हूँ, मैं playboy हूँ. Which I'm not. पता नहीं वो मेरे प्यार को कब सीरियसली लेगी यार. But you know what? It's okay, Arlene. मैं दुनिया के देखने का नजरिया नहीं बदल सकता. If you don't mind, मैं बाइक को थोड़ा आगे पार्क कर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर पाऊँ और हमें कोई स्पॉट भी ना करे. I promise मैं ज़रा ब्रेक्स भी नहीं मारूंगा अर्लीन. तुम अपना बैग बीच में रख लेना. Just come with me, I'll drop you home safely. You know what? मैं बाइक चलाऊंगी और तुम पीछे बैठोगे. How about that? All yours. कल राज हुआ उसके लिए I'm really sorry. I was quite shocked. इम्तियाज चिल ना. Honestly speaking मैंने बुरा नहीं माना. नहीं तुम सूफी को जानती नहीं हो. I think I do. और इम्तियाज वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है. और उसके आने से पहले I think we had great time. It's quite true. Good morning sir. सूफी bro congratulations New York story selection. Good job. Thank you. इम्तियाज हर एक चीज का तरीका होता है नहीं. I mean, जैसे थैंक यू को भी बोलने का एक तरीका होता है. थैंक यू. There I said. बातें नहीं हो रही स्माइल भी करना पड़ेगा. By the way, कायनात मुझे तुमसे एक बात करनी थी. क्या? याद है मैंने अपने एक दोस्त के बारे में बात किया था तुम्हारे साथ. He is in love. तो basically वही दोस्त अपने उस खास दोस्त को ये बताना चाहता है that he likes that girl. You know how boys are. इम्तियाज मुझे सच सच बताओ ये तुम्हारी स्टोरी तो नहीं है ना? नहीं. क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम पहले मुझे बताओगे. अरे सच बता रहा हूँ. नहीं बाबा. पक्का? हाँ ओके. अच्छा बताओ कि तुम्हारे दोस्त ने क्या सोचा है कि वो कैसे अपने प्यार का इजहार करेगा. थोड़ा सा चीज़ी है बट मैं तुम्हारे से शेयर करता हूँ. टेंशन क्यों ले रहे हो? राइटर दोस्त कब काम आते हैं? इन्हीं मौकों पे तो काम आते हैं. बताओ. ओके फाइन अमेजिंग. सो दिस इज हाउ इट गोज. व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू आई रियली न्यू व्हाट आई फेल्ट अबाउट लव. क्या हो गया ब्रो? चाय चाहिए कॉफी चाहिए? कुछ नहीं. इम्तियाज तुम कुछ कह रहे थे ना, रुक क्यों गए? हाँ तुमने कहा था. हाँ मैं ये कह रहा था कि फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग है. अच्छा मैं अपनी कॉफी को छोड़ दूँ, मैं कॉफी पीऊंगा. आई फील द सेम फॉर यू. आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एग्जैक्टली. मुझे मेरी कॉफी चाहिए. हाँ शो भाई व्हाई नॉट. कह रहे तुम्हें कॉफी चाहिए? नो थैंक यू. विद अ स्माइल. गरम संभाल. थैंक यू. आते इम्तियाज में क्या कह रही थी? डीप इन माय हार्ट. लेट्स जस्ट टेक दैट टू चिकन. क्या हुआ सर? फिर से हंसने की कोशिश की सर. काम करना चाहिए. बाय द वे ये जो लाइंस तुमने मुझे अभी कही है ना वो परफेक्ट है. परफेक्ट. ऑफ कोर्स इट इज नाइस. मैंने लिखी है. तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम भी यूज कर लेना दिल खोल के. इंपैक्ट पड़ेगा. लेकिन ऑफिस में नहीं. हां मतलब? नहीं नहीं मैं बस ये कह रहा था कि ऑफ कोर्स इन घर जाऊंगा, सोचूंगा, खुद से डिस्कस करूंगा, उसके बाद जाके ड्रिंक्स कॉफी पे इनवाइट करूंगा, उसके बाद आई विल गो एंड टेल यू. या यू मस्ट. कूल सी यू. थैंक्स बाय. ओके बाय. सूफी ब्रो क्या हुआ? सब ठीक है? ऑल गुड? ऑल गुड मैन. आज मेरा न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया. कौन सा? हम आप ही. नहीं कॉफी गर्म है. जली तो नहीं? नहीं मेरी नहीं जली यार. अच्छा कहते हैं कॉफी का मजा अच्छी कंपनी और सही बातों के साथ ही होता है ना? रुके यही हूं जैसे सफर नहीं हो कैसे चलाएं इनको दे सलाम देख लूं यार देख लूं यार आखिरी बार. मिस्टर अब्दुल्ला मैं घर जा रही हूँ और ऑफिस में कोई भी नहीं है आपके अलावा. जोई सर भी जा चुके हैं. आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू. लिसन अगर तुम और एमी एक दूसरे को लाइक करते हो इट्स गुड. ही इज अ नाइस गाय एंड
I was stupid. मैं सोचता था कि तुम मेरी आंटी जैसी हो, but तुम वैसी नहीं हो. But उसको खुश रखना, that's all. मैं इम्तियाज को क्यों खुश रखूं? I mean, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, right? अभी कॉफी मशीन के बगल में तुम लोग यही बात कर रहे थे. And you guys look good together. And हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ना, trust me, it was nothing. And मैं इमे को कुछ भी नहीं बताऊंगा. लेकिन अगर तुम चाहती हो, हम दोनों एक दूसरे, I mean, हम दोनों जा सकते हैं उसके पास और उसको बता सकते हैं. And he'll understand. And then you guys can live happily ever after. मुझे इम्तियाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. But कुछ टाइम पहले तुम दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, right? Oh God, वो तो इम्तियाज के दोस्त को मदद चाहिए थी to write the proposal lines and I was just helping his friend. That's it. Seriously? हाँ. I mean, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो? Hey, it's finally here. What? No smiling. I mean, तुम इम्तियाज को like करो या ना करो, या वो तुम्हें like करे या ना करे, doesn't make a difference to me. But yeah, thank you. Yeah. ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਵੇ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਕਰੀ